Hello friends, in last video I have told about the what is resume and why that resume is important for getting at least an interview call and later on your job. Last lecture में मैंने आपको ये बताया कि resume क्यों important है and ये जो resume है ये आपके बीच में और employer के बीच में एक mediator का काम करता है. और अगर आपके इस रिज्यूम ने आपको एम्प्लॉयर के सामने, एचआर के सामने, हायरिंग मैनेजर के सामने अगर अच्छी तरह से प्रेजेंट किया तो आपको इंटरव्यू कॉल वहाँ पे आ सकता है. अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं तो ये जो रिज्यूम है आपका वो वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है. तो ये थोड़ा सा आपको मैंने लास्ट के वीडियो में बताया और आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के जो अलग अलग 10 स्टेप्स है वो कौन से स्टेप्स है और इन स्टेप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने वाला हूं. फ्रेंड्स, आपने अगर ये यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. तो आज शुरू करते हैं प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने के अलग अलग 10 स्टेप्स के बारे में. तो ये कुछ नोट्स मेरे पास मैंने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मैंने तैयार किए हैं. इसी को सामने रखते हुए मैं आपको ये जो 10 स्टेप्स है अलग अलग रिज्यूम बनाने के उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. पहले तो यहाँ पे मैं जो भी 10 स्टेप्स है इसकी लिस्ट मैं आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ. पहली जो स्टेप्स है प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने की ये है स्टार्ट बाय चूजिंग द राइट रिज्यूम फॉर्मेट. सेकंड स्टेप है इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. तीसरी स्टेप है एड ए रिज्यूम समरी और ऑब्जेक्टिव. चौथी जो स्टेप्स है रिज्यूम बनाने की वो है लिस्ट योर सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज हार्ड स्किल्स. नेक्स्ट स्टेप है इंक्लूड एन एजुकेशन सेक्शन. उसके बाद है, इससे पहले जो स्टेप हम लेंगे वो है लिस्ट योर प्रोफेशनल हिस्ट्री विथ कीवर्ड्स. नेक्स्ट है सिक्स जो स्टेप है वो है इंक्लूड योर एजुकेशन सेक्शन. देन सेवंथ स्टेप जो है वो है कंसिडर एडिंग ऑप्शनल सेक्शंस. उसके बाद आठवीं जो स्टेप है वो है फॉर्मेट योर रिज्यूम. नाइन्थ स्टेप है प्रूफ रीड योर रिज्यूम. और लास्ट की जो स्टेप है वो है टेलर योर रिज्यूम फॉर ईच पोजिशन. सो ये 10 अलग अलग स्टेप्स है रिज्यूम बनाने के और अच्छा रिज्यूम बनाने के. तो वन बाय वन हम यहाँ से देखेंगे. जो पहली जो स्टेप है वो है स्टार्ट राइटिंग योर रिज्यूम बाय चूजिंग द राइट रिज्यूम फॉर्मेट. मतलब एक राइट रिज्यूम फॉर्मेट, क्योंकि रिज्यूम के अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है. अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो वहां पे अलग अलग फॉर्मेट्स अवेलेबल है. उनमें से राइट रिज्यूम फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालनी है. तो यहाँ पे अगर आप आपका जो रिज्यूम है ये फर्स्ट टाइम लिख रहे हो या फिर उसे अपडेट कर रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर जो भी कंपनीज में आप अप्लाई करने वाले हो उस कंपनी के रिलेटेड कुछ रिज्यूम सैंपल्स आप सर्च कीजिए, उसे थोड़ा सा स्टडी कीजिए एंड देन स्टार्ट टू मेक योर रिज्यूम. उसके बाद रिज्यूम बनाने के शुरू कीजिए. और जो रिज्यूम फॉर्मेट का मतलब है, अलग अलग प्रकार के रिज्यूम फॉर्मेट्स है, अलग अलग स्टाइल्स वहाँ पे है और अलग अलग ऑर्डर्स. मतलब आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, देन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्किल्स, लाइक दैट. तो ये अलग अलग ऑर्डर यहाँ पे आती है. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिज्यूम फॉर्मेट वहाँ पे चूज करना है, सिलेक्ट करना है. और अगर हम देखेंगे रिज्यूम फॉर्मेट तो ये तीन प्रकार के रिज्यूम फॉर्मेट्स है. एक है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट,
दूसरा है फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट, और तीसरा है दैट इज कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट। तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट, व्हाट इज दिस क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट? तो इन दिस रिज्यूम फॉर्मेट यू आर गोइंग टू लिस्ट योर एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। मतलब आपके लाइफ में ये जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट है, इसमें आप जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो तो लिखते ही हो, लेकिन पहला एक्सपीरियंस आपका जो भी है वो आप पहले लिखते हो। ओके, दैट इज नॉट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। उसके बाद सेकंड टाइप, समझो पास आउट होने के बाद आपको कुछ एक अधिक कंपनी में जॉब मिल गया, तो पहले आप वो लिखोगे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट में। 1 साल वहां पे आपने जॉब किया, उसके बाद दूसरी कंपनी आपको मिल गई या फिर आपने चेंज कर दी, तो बाद में सेकंड कंपनी का नाम आ जाएगा। तो इसी इसी तरह से जब आप लिखते जाओगे तो इसे हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट। उसके बाद अगर ये जो रिज्यूम फॉर्मेट है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट, दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन इफ यू हैव अ रिच प्रोफेशनल वर्क हिस्ट्री। अगर आपकी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, वर्क हिस्ट्री अच्छी तरह से है, तो आपके लिए ये जो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि दैट वर्क मैटर और वर्क हिस्ट्री और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इट इज कमिंग फर्स्ट ईयर एंड दैट मैटर्स ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ और एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिज्यूम। तो इसीलिए ये एक गुड ऑप्शन है अगर आपकी प्रोफेशनल वर्क हिस्ट्री अच्छी तरह से है या फिर विथ आपके जो भी करियर है उसमें कोई गैप नहीं है। तो ये एक जो रिज्यूम फॉर्मेट है, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट, ये एक अच्छा फॉर्मेट है। सेकंड है फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट। फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट में यू हैव टू लिस्ट योर एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू द स्किल। आपकी जो भी स्किल है और स्किल के अकॉर्डिंगली आपके जो एक्सपीरियंस वहां पे है, आपका जो अनुभव वहां पे है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा। एंड दिस, अगर आप कुछ दिनों बाद जॉब स्विच कर रहे हो तो भी ये जो सेकंड रिज्यूम फॉर्मेट है ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देन इफ यू आर इन द लैक ऑफ डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स आपके पास है लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं है आपके पास, एक्सपीरियंस अभी तक आपको मिला नहीं है, तो ये फॉर्मेट आपके लिए अच्छा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर दी फ्रेशर्स ऑल्सो हियर, ओके, बिकॉज दे आर हैविंग द स्किल्स बट इफ दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस देन दे कैन यूज दिस फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि, या फिर फ्रेशर्स ये यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इट डिस्प्लेज यूअर स्किल्स फर्स्ट। आप में जो भी स्किल्स, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस तो आपके पास नहीं है फ्रेशर्स में, तो इसीलिए आपकी जो भी स्किल्स है आप वहां पे डाल रहे हो या फिर उस रिज्यूम में डाल रहे हो, तो अगर वो पहली बार पहले ही और जो स्किल्स है वो अगर एम्प्लॉयर को दिखेंगे तो वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, या फिर ये जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये हो गया फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट। तीसरा जो रिज्यूम फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट। कॉम्बिनेशन मतलब यहां पे जो पहला रिज्यूम फॉर्मेट है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट और जो दूसरा रिज्यूम फॉर्मेट है फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट, इसमें इनमें से जो भी अच्छा लगेगा वो तीसरे रिज्यूम फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट। ओके, सो हियर दिस, एक यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक है कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जो प्रोफेशनल, मतलब जो पहला रिज्यूम फॉर्मेट है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम फॉर्मेट और दूसरा जो फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट है, उनमें से कुछ उठा के आप तीसरा रिज्यूम फॉर्मेट में डाल रहे हैं, तो इसीलिए ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिज्यूम फॉर्मेट है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और अगर फॉर्मेट ये आपका रिज्यूम अगर बड़ा बन गया तो थोड़ा सा जो एम्प्लॉयर है या फिर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है तो उसमें से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, मतलब आपके रिज्यूम पढ़ने में या फिर रिव्यू करने करने में, तो ये खबरदारी आपको लेनी चाहिए। तो ये हो गया पहली स्टेप यहाँ पे कि आपको एक राइट रिज्यूम फॉर्मेट चूज करना है व्हेन यू आर राइटिंग योर और अपडेटिंग योर रिज्यूम। सेकंड स्टेप है इंक्लूड योर नेम्स एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड जो स्टेप है रिज्यूम प्रिपरेशन की वो है इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और इसमें आपका जो रिज्यूम है दैट शुड बी बिगिन विथ योर नेम एज वेल एज कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर
मेल एड्रेस, और ये पूरा का पूरा आपको हेडर में लिखना है उस पेज के। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको चेक करना है, टैली करना है कि आपका जो मेल एड्रेस है, मेल आईडी है, वो प्रोफेशनल है या नहीं। क्योंकि हम जब मेल आईडी बनाते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग नाम हम उस मेल आईडी में देते हैं, मेल आईडी को देते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल स्वीट गर्ल एट द रेट gmail.com फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई लिखता है डैड्स गिफ्ट एट द रेट gmail.com, तो या फिर कोई लिखता है माई क्रश एट द रेट gmail.com, तो ये मेल आईडी प्रोफेशनल नहीं रहते। अगर आपकी मेल आईडी ऐसे है तो एक टाइम आ गया है कि आपको मेल आईडी आपका चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी प्रोफेशनल। जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नाम वहां पे डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल microbio2015@gmail.com, या फिर iitbiotech2017@gmail.com, या फिर आप फार्म डी और pharmad2018@gmail.com, अगर ये आप मेल आईडी रखोगे तो ये आपके प्रोफेशनल मेल आईडी हो जाएंगे। तो ये हो गया एक सेकंड स्टेप के बारे में। तीसरी जो स्टेप है यहाँ पे वो है एड अ रेज्यूम समरी और ऑब्जेक्टिव। आपको यहाँ पे रेज्यूम समरी ऐड करनी है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐड करना है, क्योंकि यू कैन इंक्लूड आइदर रेज्यूम समरी और दी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हियर, एंड दिस ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और रेज्यूम समरी इट इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट यूजेस अ एक्टिव लैंग्वेज टू डिस्क्राइब यूअर रिलीवेंट वर्क एज वेल एज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। क्योंकि जो भी आप शॉर्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हो, समरी लिखते हो रिज्यूम में, तो ये आपके बारे में रिलीवेंट इंफॉर्मेशन वहां पे बताती है, चाहे वो आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके स्किल्स हो। तो इसलिए ये भी आपको लिखना है। एंड ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इट क्विकली एक्सप्लेन्स यूअर करियर गोल्स, कि आपके करियर का गोल क्या है, ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट स्टेटमेंट में आता है या फिर वो समरी में आता है। ओके, एंड व्हेन यू आर राइटिंग दैट ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट और दैट समरी ऑफ द रिज्यूम, देन यू हैव टू कीप इन माइंड सम स्ट्रांग एंड सिंपल टिप्स हियर। और वो कौन से, कि द समरी कैन बी यूजफुल टू एक्सप्लेन व्हाई यू आर अ परफेक्ट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये भी उसमें आता है कि अगर आप उस समरी में थोड़ा सा आपके बारे में स्किल्स एक्सपीरियंस वगैरह लिखोगे, और वही से पता चल जाएगा एम्प्लॉयर को या फिर एचआर मैनेजर को कि ये जो बंदा है ये इस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल है, क्यों परफेक्ट है। ओके, क्योंकि स्किल्स वगैरह वहां पे आपके आ जाएंगे। दूसरी बात है, यू डोंट हैव टू इंक्लूड अ समरी इफ योर एक्सपीरियंस स्पीक्स। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा तरह से है, अच्छी तरह से है, एंड दैट विल स्पीक और दैट विल टेल एवरीथिंग अबाउट यू, एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट एम्प्लॉयर और दैट एचआर मैनेजर दे केम टू द कंक्लूजन और दे विल केम टू द कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अ परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, तो एट दैट टाइम देर इज नो नीड टू राइट यूअर समरी और दैट। ओके, ये हो गया थर्ड स्टेप। चौथी जो स्टेप है वो है लिस्ट यूअर सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स। आपके जो भी सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे कि या फिर हार्ड स्किल्स है, मतलब कंप्यूटर लिटरेसी या फिर कंप्यूटर का जो भी नॉलेज आपको है वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्किल सेक्शन है, एंड दिस स्किल सेक्शन ऑफ योर रिज्यूम इट इज प्लेस वेयर यू कैन शो योर स्ट्रेंथ एज वेल एज इंडिविजुअलिटी। क्योंकि ये जो सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का जो सेक्शन है रिज्यूम पे, ये आपके बारे में आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, इंडिविजुअलिटी है, वो वहां पे बताते हैं या फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो देयरफॉर यू हैव टू टेक सम मोमेंट, और आपको कुछ टाइम लेना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन से स्ट्रेंथ्स है, कौन से स्किल्स है, सो दैट यू हैव टू मेंशन हियर, एंड यू हैव टू स्टार्ट बाय स्टेटिंग ईच स्केल स्किल एज वेल एज मेक दिस एंट्रीज शॉर्ट क्लियर एंड टू द पॉइंट। मतलब जो भी स्किल्स आप वहां पे मेंशन करोगे, चाहे वो सॉफ्ट स्किल हो चाहे वो हार्ड स्किल हो, तो ये जो स्किल्स आप मेंशन कर रहे हैं तो ये शॉर्ट होनी चाहिए एंड पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया लिस्ट योर मतलब हार्ड स्किल्स के बारे में। और जो सॉफ्ट स्किल्स है वहां पे, तो सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, और जो सॉफ्ट स्किल्स है वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, दैट मे बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका सॉफ्ट स्किल है। देन
टीम वर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है. देन एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ऑल दीज आर दी सॉफ्ट स्किल्स एंड यू हैव टू इंक्लूड दीज सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज हार्ड स्किल्स इन दैट स्किल सेक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लिस्ट योर प्रोफेशनल हिस्ट्री विथ कीवर्ड्स. आपकी जो भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी प्रोफेशनल हिस्ट्री है, उसे भी मेंशन कीजिए विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, क्योंकि ये जो सेक्शन है दैट इज लिस्ट योर प्रोफेशनल हिस्ट्री, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट यू हैव टू स्टार्ट विथ योर रिसेंट जॉब, मतलब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ये लिखना पड़ेगा प्रोफेशनल स्किल्स में या फिर प्रोफेशनल हिस्ट्री के बारे में. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल मतलब अभी जो आप जॉब कर रहे हो वो पहले ऊपर आपका आना चाहिए, उसके बाद लास्ट ईयर में जो आप जॉब कर रहे थे कंपनी दूसरी होगी तो वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए. तो लाइक दैट ईयर, मतलब जो पहले जो जॉब आपने किया था पास आउट होने के बाद वो आपका लास्ट में आएगा. तो इसे बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो ये आपको इस तरह से ये प्रोफेशनल हिस्ट्री आपकी लिखनी पड़ेगी. सो एंड व्हेन यू आर लिस्टिंग योर प्रोफेशनल हिस्ट्री और प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, देन यू हैव टू कीप इन माइंड फ्यू प्रैक्टिसेस. आपको कुछ प्रैक्टिसेस माइंड में रखनी होगी कि आपकी प्रोफेशनल हिस्ट्री किस तरह से वहां पे मेंशन करनी है. ओके, तो यहां पे यूज नंबर्स टू मेजर योर इंपैक्ट व्हेन पॉसिबल. अगर उस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी में आपने कुछ टारगेट जो दिया हुआ था वो अचीव किया है तो वो नंबर आप वहां पे डालिए. देन यूज कीवर्ड्स फ्रॉम दी जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जो जॉब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ वर्ड्स दिए होते हैं तो वो भी वर्ड्स आप वहां पे मेंशन कीजिए प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में, प्रोफेशनल हिस्ट्री में. उसके बाद एंड बी ब्रीफ, ज्यादा मत लिखो वहां पे, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिज्यूम है ये आपको ये 1 पेज या 2 पेज में लिखना है. तो इसीलिए बी ब्रीफ एंड कीप योर डिस्क्रिप्शन शॉर्ट एज वेल एज रिलीवेंट. आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको शॉर्ट रखना है, रिलीवेंट रखना है. ओके, एंड अवॉइड मल्टीपल लाइन टू डिस्क्राइब योर अचीवमेंट. मल्टीपल लाइन्स में लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन में आप लिखते चलो यहाँ पे, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव. एंड यूज एक्शन वर्ड्स लाइक डेवलप, सेव, मैनेज, सो दैट मोर इम्पैक्ट विल बी देयर. और इसमें जो फिलर वर्ड्स रहते हैं आपके रिज्यूमे वो भी आप वहां से निकालो. फिलर वर्ड्स मतलब जो ज्यादा से ज्यादा मतलब स्पेस बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंड दी, तो ये फिलर वर्ड्स वहां पे आप निकालिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप, दैट इज इंक्लूड एन एजुकेशन सेक्शन. ये जो एजुकेशनल सेक्शन है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु हैव अ लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, जैसे कि फ्रेशर्स है या फिर कुछ लोगों को कम एक्सपीरियंस है, तो ये जो इन लोगों के लिए ये सेक्शन वहां पे, एजुकेशन सेक्शन वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं. और जिसमें यू हैव टू एक्सप्लेन योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस और दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन रिलीवेंट फॉर्मेट, मतलब शॉर्ट में लिखना है. देन यू कैन राइट योर परसेंटेज और रैंक, देन पार्टिसिपेशन इन क्लब्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के रिलेटेड रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. देन अगर आपने कुछ लीडरशिप की है, जैसे कि यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कुछ अगर आपने लीडरशिप वहाँ पे ली है कॉलेजेस में तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. अगर आपके कुछ अवार्ड्स है, अचीवमेंट है या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस है तो वो भी आप यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं. और ये एजुकेशन सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो और जिनको वर्क एक्सपीरियंस कम है या फिर वो फ्रेशर्स है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है दैट इज सो सर्टिफिकेशंस है, कुछ लाइसेंसेस है, अगर आपने कुछ लाइसेंसेस गेन किए तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. एंड टू सेव द स्पेस, अगर आपके रिज्यूमे आपको सेव स्पेस सेव करना है सो एट दैट टाइम यू कैन लीव ऑफ एनी क्रेडेंशियल्स दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जॉब. अगर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है ये जॉब के लिए जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो सेक्शन या फिर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आप वहां पे ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं.
ओके। सेवंथ जो स्टेप है वो है कंसीडर एडिंग ऑप्शनल सेक्शंस। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शनल सेक्शंस भी ऐड करने हैं, और ये ऑप्शनल सेक्शंस है जैसे कि इंटरेस्ट सेक्शन या फिर हॉबीज, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बिकॉज दिस सेक्शंस दे कैन हेल्प टू सप्लीमेंट अ शॉर्टर रिज्यूम। अगर आपका रिज्यूम बहुत छोटा हो रहा है तो आप ये एडिशनल सेक्शंस वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब आपका रिज्यूम भी थोड़ा सा एक नॉर्मल साइज पे आ जाएगा, और दूसरी बात आपके जो इंटरेस्ट है, हॉबीज है, उनके बारे में भी थोड़ा सा वहाँ पे उनको पता चल जाएगा। तो ये एडिशनल सेक्शंस जो है वो भी आपको इंक्लूड करने हैं, एंड मेक श्योर दैट अचीवमेंट एंड दैट इंटरेस्ट यू लिस्ट दैट मस्ट सपोर्ट योर करियर गोल्स। जो भी इंटरेस्ट, जो भी हॉबीज या फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, तो इस इंफॉर्मेशन ने आपके जो करियर गोल्स है उनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो आपको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और इस तरह से अगर आप वो वहां पे मेंशन करोगे तो उनको भी पता चल जाएगा, अरे यहाँ पे कंपनी में अगर इसका सिलेक्शन किया तो ये पॉलिटिक्स करेगा यहाँ पे। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आपके हॉबीज, कौन से इंटरेस्ट वहां पे मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू जॉब और दैट पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेट योर रिज्यूम। आपका रिज्यूम आपको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करना है मतलब क्या है कि लेआउट ऑफ योर रिज्यूम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिज्यूम का जो भी लेआउट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू यू शुड ऑल्सो टेक टाइम टू पे अटेंशन टू फॉर्मेटिंग डिटेल्स ऑफ योर रिज्यूम, एंड दैट डिटेल्स मे बी फॉन्ट स्टाइल, दैट डिटेल्स मे बी फॉन्ट साइज, दैट मे बी मार्जिन्स और स्पेसिस बिटवीन द लाइन्स, सो लाइक दैट हियर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट यूअर एम्प्लॉयर्स अटेंशन। अगर आपका रिज्यूम क्लीन है, वेल लाइन्ड है, वेल स्पेस है, फॉन्ट अच्छी तरह से है, तो डेफिनेटली योर रिज्यूम विल अट्रैक्ट टू दैट एम्प्लॉयर। ओके, एंड देर आर सम की टिप्स आर देयर वी शुड यू टू कीप इन माइंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम। और ये टिप्स कौन से, मेक योर फॉन्ट बिटवीन 10 to 12 पॉइंट साइज। आपके जो भी वहां पे लिख रहे हो रिज्यूम पे, उसका जो फॉन्ट साइज है ये 10 या 12 के बीच में होना चाहिए। दूसरे, सिलेक्ट अ फॉन्ट दैट इज क्लीन एंड वेरी और इट इज इजी टू रीड। ऐसा फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना होगा जो क्लीन है और वो इजीली पढ़ा जाएगा। सो दैट मे बी दैट एरियल और हेलवेटिका। देन अवॉइड स्टाइलाइज्ड फॉन्ट, स्टाइलिश फॉन्ट्स वहां पे यूज नहीं करना। नेक्स्ट है मेक श्योर योर मार्जिन आर 1 to 1.5 इंचेस। मार्जिन जो रखनी है आपको वो 1 या 1.5 तक रखनी है। एंड मेक योर नेम एज वेल एज सेक्शन हेडर्स बोल्ड और स्लाइटली बिगर इन फॉन्ट साइज एज कंपेयर टू अदर मैटर। आपके जो हेडिंग्स है उसे थोड़ा बड़ा साइज में रखिए, और ये भी ध्यान में रखिए कि इसकी साइज 14 से या आगे नहीं जा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग अबाउट योर और इन योर रिज्यूम। देन यू हैव टू मेंशन, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग इन सेंटेंसेस, यूज बुलेट पॉइंट्स हियर। सो यू हैव टू यूज बुलेट पॉइंट्स। सो इफ यू फॉर्मेट योर रिज्यूम इन दिस वे, सो दैट डेफिनेटली इट विल इम्प्रेस दी एम्प्लॉयर और दी एचआर मैनेजर। ओके, नाइन्थ स्टेप है यहाँ पे प्रूफ रीड योर रिज्यूम। एक बार आपने अपना रिज्यूम पूरा बनाया अकॉर्डिंग टू ऑल दीज 9 स्टेप्स 8 स्टेप्स, उसके बाद उसको प्रूफ रीड करना है। कुछ ग्रामर मिस्टेक उसमें है क्या, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक उसमें है क्या, तो ये प्रूफ रीडिंग करने के लिए आपका ये रिज्यूम आप अपने अच्छे दोस्त को दे सकते हैं, जो सच में इसमें क्या मिस्टेक रह गई, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्या, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऐसे है क्या, ये वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये एक ध्यान में रखिए कि आपका रिज्यूम एक बार बनने के बाद उसे प्रूफ रीड करना है। चाहे फिर आप आपके फ्रेंड से वो करवा सकते हैं, आपके कलीग से वो करवा सकते हैं, आपके प्रोफेसर के साथ वो आप शेयर कर सकते हो, और कुछ मिस्टेक्स है क्या, या फिर प्रूफ रीडिंग आप वहां पे करवा सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स, सो दे कैन टेल यू, दे कैन टेल वेदर देर इज अ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, सो दैट इज द प्रूफ रीडिंग ऑफ योर रेज्यूम। और लास्ट पॉइंट जो है, स्टेप्स जो है यहाँ पे, हाउ टू
create a professional resume वो है that is tailor your resume for each position. Tailor your resume for each position इसका मतलब है कि जब भी आप जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपका रेज्यूम वहां पे बनाना है. सो दैट इज टेलर योर रेज्यूम एज और अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन और अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट. सो एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज योर रेज्यूम टू टेलर इट एज पर योर पोजिशन और दैट पर्टिकुलर पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग. ओके एंड फॉर ईच जॉब यू हैव टू एडजस्ट दैट कीवर्ड्स इन दैट स्किल सेक्शन एज वेल एज एक्सपीरियंस. अगर आपका कुछ है तो वो पहले मेंशन कीजिए तो दैट विल हेल्प फॉर सिलेक्शन ऑफ योर रेज्यूम और फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ योर रेज्यूम. तो ये अलग अलग 10 स्टेप्स यहाँ पे हमने बताया कि कौन से 10 स्टेप्स है प्रोफेशनल रेज्यूम क्रिएट करने के. डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ ये रिज्यूम आप शेयर कीजिए. थैंक यू.